श्री राम की सुहावनी गाथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वाणी दी, उसे जगत जननी पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा मुनि याज्ञवल्क ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई। ये कथा फिर वाराह क्षेत्र में तुलसीदास ने अपने गुरुजी से सुनी, किंतु तब उनके अपने अनुसार अपने लड़कपन के कारण उसे भली प्रकार समझ नहीं सके। फिर भी जब गुरुजी ने बार बार वही कथा कही, तब अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार उसे समझा और अपने संतोष के लिए उस कथा की रामचरितमानस के रूप में रचना की। राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये कथा नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता तुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है।
Thank you.